ये तय है कि वो इस काम को नहीं कर पाएगा। ये तय है कि वो कभी पता नहीं कर पाएंगे ये किसने किया। ये तय है कि आज रात वो पार्टी में नहीं आएगा। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखने के लिए आपको फ्रेज यूज करना पड़ेगा इट इज 10 to 1, इट इज 10 to 1। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा इट इज 10 to 1, इसके बाद कॉम्प्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। और आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इट इज 10 to 1 ना लिख के खाली लिख सकते हैं 10 to 1, इसके बाद कॉम्प्लीट सेंटेंस। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। ये तय है कि वो कभी पता नहीं कर पाएंगे कि ये किसने किया। 10 to 1 दे विल नेवर फाइंड आउट हु डिड दिस। 10 to 1 दे विल नेवर फाइंड आउट हु डिड दिस। और यू कैन से इट्स 10 to 1 दे विल नेवर फाइंड आउट हु डिड दिस। ये तय है कि आज रात वो पार्टी में नहीं आएगा। 10 to 1 ही वोंट कम टू द पार्टी टू नाइट। 10 to 1 ही वोंट कम टू द पार्टी टू नाइट। और यू कैन से इट्स 10 to 1 ही वोंट कम टू द पार्टी टू नाइट। ये तय है कि वो इस काम को नहीं कर पाएगा। 10 to 1 ही विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। 10 to 1 ही विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। और यू कैन से इट इज 10 to 1 ही विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। इट इज 10 to 1 ही विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क।